जहांगीराबाद चौराहे पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजन संपन्न होगा। यह जानकारी सती सहेलिया पवन परोचे ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रेमी बंधु यहां पधारकर आनंद लें। सती सहेलिया, लगभग हमें 15 साल हो गया निरंतर हमें मटकी फोड़ का आयोजन लेली चौराहे पे करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना के कारण नहीं, 2 साल नहीं हो पाया था मटकी फोड़ का आयोजन, फिर इस साल हम आयोजन कर रहे हैं। इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजन है, 8 सितंबर को शाम को रहेगा। ये इसमें हमने 1 लाख रुपए नगद राशि का इनाम रखा है। एंट्री फीस हम निःशुल्क लेते हैं, क्योंकि वो भी ना नए उम्र के लड़के होते हैं जो शहीद होते हैं, उनसे एंट्री फीस हमारे आज तक ली नहीं गई है। जी बिल्कुल, वास्तव में यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ प्रतियोगिता है और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और कृष्ण भक्त लोग हैं। यहाँ भजन संध्या भी होगी और उसमें कृष्ण भक्त लोग बड़े आनंद से उत्साह से लाभ लेते हैं भजनों का, भजन संध्या का। नाम पवन पारोचे, बनखेड़ मंडल का महामंत्री। सबसे पहले मैं आज इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं चाहूँ जन्माष्टमी की। और कल हमारे यहाँ मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा है जिससे हमारे सतीश भैया हर साल कराते हैं। आपको मालूम महामारी कारण कुछ वर्षों से मटकी फोड़ नहीं करा पाए, पर हमने फिर से ये मटकी फोड़ कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस अवसर पर सभी को बधाई शुभकामनाएं और कल सब लोग आएंगे, भजन का आनंद लेंगे और बाबा साहब के मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हमने श्री कृष्ण भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनाई है, वो आगे सब दर्शन प्रतीत करेंगे। क्या जय मटकी फोड़ लीटा की चौराया जहांगीराबाद बरकड़ी मंडल।